इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस के बेसिस पे अपने कॉलेजेस में एडमिशन देती हैं। जेई मेंस एंड जेई एडवांस में आपकी रैंक अच्छी आई हो पर हो सकता है आपको कॉलेज ना मिला हो, तो आप जेई मेंस एंड जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पे आप कुछ ऐसे अच्छे कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं उन कॉलेजेस के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में जिस कॉलेज का प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो एवरेज सैलरी पैकेज 12 to 20 lakh से ऊपर है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मनचाहे ब्रांच एंड मनचाहे कॉलेज नहीं मिल पाती हैं, तो मैं कुछ ऐसे ही कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो टॉप कॉलेज हैं एक तरह की रैंक के हिसाब से, जो भी ब्रांच चाहे तो वो आपको मिल सकता है। तो मैं उस कॉलेज के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। पिछली वीडियो में मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो भारत में बहुत सारे कॉलेजेस के द्वारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, तो मैं उस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पिछली वीडियो में बात किया था। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो वो वीडियो मेरे आई बटन में मैं ऊपर दे दूंगा, अब वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना ताकि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट किए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव। बेसिस पे बात करूँगा तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा DTU एंड हेयर सभी कॉलेज के वेबसाइट्स हैं, आप इस वेबसाइट से विजिट करके यहाँ से अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जाके। मेक श्योर कीजिए आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए एग्जाम होने के बाद, मेंस का एग्जाम होने के बाद जरूर विजिट कीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ से पता चलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा था DTU एंड द नेक्स्ट वन इज IIIT बेंगलोर एंड द अदर वन इज धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे शॉर्ट फॉर्म अहमदाबाद में शॉर्ट फॉर्म में DAIICT भी कहते हैं। JP नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटियाला, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, नेताजी सुभाष चंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT दिल्ली, AIT पुणे, IIIT दिल्ली, IIIT हैदराबाद, NCU गुड़गांव, महर्षि मार्केंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर, द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर, मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। IISc में भी जेई मेंस के बेसिस पर एडमिशन होती है पर इसमें आपको कुछ अच्छी रैंक्स मतलब चाहिए होंगी IISc में एडमिशन लेने के लिए। जामिया मिलिया दिल्ली, LPU पंजाब। तो ये थे कुछ हमारे जेई मेंस के बेसिस पे ऐसे कॉलेज जो अच्छे प्लेसमेंट्स हैं जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। तो उस कॉलेज के वैसे तो बहुत सारे कॉलेज एडमिशन लेती हैं पर कुछ अच्छे कॉलेज की मैं बात कर रहा था, तो ये हैं कुछ अच्छे कॉलेज। हो सकती हैं अगर बहुत कुछ ऐसे कॉलेज अगर मिस हो गई हो, अगर आप उस कॉलेज में पढ़ते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से ये भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टूडेंट्स या इस चैनल पर आए तो उसे आपका उस कॉलेज के बारे में पता चल जाए। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोई कॉलेज ऐसी हैं जिसके बारे में जानते हो जो यहाँ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, नेक्स्ट वन जो आती हैं इंस्टीट्यूट्स गिव डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन द जेई एडवांस रैंक्स और मार्क्स, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। इसमें भी आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, आप उस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे एंड देन वहाँ से फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो हेयर आपका सबका वेबसाइट है एंड इधर मैं आपका कॉलेज का नाम अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली RGIPT, इसका वेबसाइट ये है, आप यहाँ से जाके विजिट कर सकते हो एग्जाम के बाद। ओके, अभी मत एग्जाम के बाद जाना, पहले एग्जाम का तैयारी। IISER पुणे, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मोहाली, ये 3-4 जगह इसका कैंपस है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST तिरुवनंतपुरम, अब इसमें भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड IISC बेंगलोर, IISC बेंगलोर भी है इस लिस्ट में तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIPE विशाखापट्टनम, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे जेई में एडवांस के बेसिस कुछ अच्छे कॉलेज थे, मैं उनका नाम बताया हूँ। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मैं सभी कॉलेज का नाम बता रही हूँ पर अच्छे कॉलेज का नाम बताया हूँ। अगर कोई कॉलेज मिस हो गई है, अगर आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं फिर आप ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिट करें तो उन्हें कुछ नो बेनिफिट हो जाए। ये हमारे पिछले वीडियो का था, पिछले वीडियो में बात किया था इस कॉलेज एग्जामिनेशन के बारे में।
एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट लेवल इंट्रेंस एग्जाम्स जो स्टेट में होती हैं। स्टेट में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम होती हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं CG छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँगा, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो आप इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। एंड आंध्र प्रदेश में है EAMCET, ओके, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। केरला CE, उनका वेबसाइट इधर है। कर्नाटका CET, फिर से वेबसाइट आपका इधर है। महाराष्ट्र CET, वेबसाइट इधर है। TNPSEE तमिलनाडु में भी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। WBJE वेस्ट बंगाल में होती है। WBJE में एक अच्छा कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो टॉप कॉलेज है, बहुत सारे IIT NIT के बराबर में आता है वो, तो आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका UPTU, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। एंड नेक्स्ट है आपका गुजरात, तो गुजरात में जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आप उनके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कि हम सभी स्टेट में फॉलोइंग स्टेट्स है 15% ऑल इंडिया कोटा, मतलब ये जो जितने भी स्टेट का नाम है नीचे लिखा हुआ हूँ उसी सब में 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, कि मतलब उस कॉलेज में आप 15% बच्चे उस स्टेट के अलावा, मतलब उस स्टेट को छोड़ के बाहर से 15% बच्चे के लिए सीट रिजर्व होता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जिस स्टेट का जो भी टॉप कॉलेज है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 15% कोटा से, ओके। एंड फिल थ्रू JEE मेंस, एंड इसमें जो भी है JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है। नो सेपरेट फॉर्म्स रिक्वायर्ड, कोई फॉर्म नहीं चाहिए आपको, बस इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए। जब भी इंफॉर्मेशन कोई ऐसा आता है तो आप वहाँ से काउंसलिंग करने के लिए अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लिए आप mahasit.org। पंजाब में कोई भी अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है 15% बाहर की, मीन्स 15% 85% पंजाब के लोग होंगे एंड 15% उस गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब पूरे पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में 15% पंजाब के अलावा जो भी पूरे भारत के राज्य हैं तो वहाँ से स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में, राजस्थान में आप इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। UPSC, उत्तर प्रदेश में भी आप इससे अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा इसमें कर सकते हो। गुजरात के लिए भी है एंड वेस्ट बंगाल के लिए भी है, मध्य प्रदेश के लिए भी है एंड बिहार PET BCE CEB, आप इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई, अपने छोटे भाई जो भी इस इंजीनियरिंग के लाइन में है तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, एंड हो सकता है वो इस वीडियो से वो कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।